यूएफओ और एलियंस के बारे में कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हमने कई बार सुनी हैं और आज भी थ्योरिस्ट इस प्रकार की थ्योरीज बना रहे हैं जो कि रॉसवेल इंसिडेंट के बाद और भी बढ़ चुकी हैं। इनमें से कई थ्योरीज समय के साथ खत्म हो गईं, लेकिन आज भी ऐसी कई थ्योरीज हैं जो इंटरनेट के द्वारा आप लोगों तक धड़ल्ले से पहुंच रही हैं। आज हम बात करेंगे ऐसी ही चार कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में जिन्हें आप सच समझते हैं जो कि पूरी तरह से झूठ है। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीम इंडिया। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द लूसिफर प्रोजेक्ट। 2001 में आई किताब अ स्पेस ओडिसी में कुछ ऐसे एलियंस के बारे में बताया गया था जिन्होंने किसी एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल करके जुपिटर को दूसरे सूरज में बदल दिया था, जिसका नाम लूसिफर रखा गया। इस किताब को लिखने के पीछे लेखक के दिमाग का ये विचार था कि अगर जुपिटर सही आकार और सही तापमान का सूरज बने तो इसके सभी चांद में जीवन की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इससे पृथ्वी के पास एक इंटेलिजेंट लाइफ होने की संभावना बढ़ जाएगी और साथ ही हमें रहने के लायक एक दूसरा ग्रह भी मिल जाएगा। लेकिन जुपिटर को सूर्य बनने के लिए कुछ ऐसी विशेषताएं चाहिए होंगी जिससे कि सौरमंडल में मौजूद दूसरे ग्रहों की ऑर्बिट्स को बर्बाद करे बिना वो अपने ग्रहों को अच्छे से रख सके। लेकिन इस तरह की विशेषताएं पाना लगभग असंभव है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का कहना है कि नासा ने पहले से ही लूसिफर प्रोजेक्ट को करने की कोशिश की है और वो इसे बार बार दोहराना चाहते हैं जिससे कि वो एक बार में सफल हो सके। जिस अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में भेजा गया था उसमें ऊर्जा के लिए प्लूटोनियम 238 डाला गया था, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा केमिकल अंतरिक्ष में काम करने के योग्य नहीं होगा। जुपिटर के इस प्रोजेक्ट में शुरुआत में इस यान को वहां क्रैश कराया गया, जिसे जुपिटर के चांद को सुरक्षित रखने के लिए नहीं किया गया था बल्कि ये जानने के लिए किया गया था कि क्या हम जुपिटर को एक सूरज में बदलने के लिए किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का इस्तेमाल कर सकते हैं। द कॉमेट लैंडिंग कॉन्स्पिरेसी। कुछ समय पहले फिलेलैंडर अंतरिक्षयान को यूरोपियन स्पेस एजेंसी की मदद से उल्कापिंड पर लैंड किया गया। कई लोगों ने अंतरिक्ष की जानकारी के लिए उठाए गए इस कदम की सराहना की तो वहीं कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने इस घटना को अलग ही नजरिए से देखा। उन्होंने कहा कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कहना था कि उन्होंने उल्कापिंड से कुछ अजीब तरह की आवाजें सुनी थी। थ्योरीज में कहा गया था कि ये कोई उल्कापिंड नहीं बल्कि एलियंस का कोई अंतरिक्ष यान है। इसके साथ ही इसमें यह भी कहा गया कि ये यान अपने आप को किसी भी ग्रह के लोगों को दिखाना नहीं चाहता था। कुछ थ्योरिस्ट का यह भी कहना था कि पृथ्वी से भेजे गए यान द्वारा खींची गई तस्वीरों में यूएफओ को देखा गया था, लेकिन इस बात को यूरोपियन सरकार छुपाना चाह रही थी। मून लैंडिंग वॉज रियल बट द फुटेज वॉज फेक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। दोनों देश अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे और उनमें नंबर वन बनने की होड़ लगी थी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण था स्पेस की रेस में एक दूसरे से आगे निकलना। रूस ने सबसे पहले 12 अप्रैल 1961 को सोवियत एयरफोर्स के पायलट यूरी गगरिन को अंतरिक्ष में पहुंचाकर अपना झंडा गाड़ दिया। इस बात से अमेरिका बुरी तरह चिढ़ गया और उसने 20 जुलाई 1969 को अमेरिका के एरोनॉटिकल इंजीनियर और सैनिक पायलट नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर पहुंचाकर एक इतिहास रच दिया जिसे देखकर पूरी दुनिया चकित रह गई। लेकिन क्या मून लैंडिंग यानी चंद्र अभियान हकीकत में हुआ था? कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट की माने तो चांद पर रखा गया पहला कदम एक ढकोसला था जो कि यूएस की सरकार ने नासा के साथ मिलकर किया था। ये थ्योरी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। भले ही हमें इस थ्योरी की बहस ना पता हो, लेकिन हमें ये थ्योरी बड़े ही अच्छे से पता है। इसमें बताया गया है कि जो वीडियो चांद पर कदम रखने पर निकाली गई थी वो नकली थी और कई थ्योरिस्ट ने इस वीडियो में बहुत सी गलतियां निकाली थी। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का मानना है कि इस तरह की मून लैंडिंग हो ही नहीं सकती क्योंकि कुछ तस्वीरों में ऐसा देखा गया जो कि चांद पर संभव है ही नहीं। तो चलिए आप भी जान लें वो ऐसी क्या गलतियां थी। वेविंग फ्लैग यानी लहराता हुआ झंडा। मून लैंडिंग का पर्दाफाश करने वाले स्पेशलिस्ट बताते हैं कि जब लोगों को पहली बार टेलीविजन पर चंद्रमा पर उतरने के सीन दिखाए गए तब अमेरिकी झंडे को लहराता हुआ दिखाया गया जिसे नील आर्मस्ट्रांग और ऑल्ड्रिन ने गाड़ा था। लेकिन साइंटिस्टों की माने तो चंद्रमा पर हवा है ही नहीं,
तो फिर ये कैसे संभव है कि झंडा लहराए? लैक ऑफ इंपैक्ट क्रेटर यानी गड्ढे के प्रभाव का ना होना। थ्योरिस्ट का कहना है कि स्पेस शटल तो काफी शक्तिशाली मशीन होती है, अगर चंद्रमा पर वाकई में नासा का कोई यान उतरा होता तो उस यान के नीचे गड्ढे बन गए होते, क्योंकि ये स्पेस शटल भारी भी होते हैं और चांद पर धूल जैसे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, तो शटल के उतरने पर उसका असर तो होना चाहिए था, लेकिन नासा के फोटोज में ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं देती। मल्टीपल लाइट सोर्स यानी कई जगह से आती रोशनी। लोगों का कहना है कि चंद्रमा पर प्रकाश के आने का एकमात्र सोर्स सूर्य है, मगर यहाँ की तस्वीरों में तो कई एंगल से रोशनियां आती दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है कि ये किसी स्टूडियो में शूट किया गया हो। वैन एलन रेडिएशन बेल्ट। ये एक रेडिएशन बेल्ट है जिसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल होते हैं। चंद्रमा पर पहुंचने के लिए यात्रियों को वैन एलन रेडिएशन बेल्ट से होकर गुजरना होता है, जो पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स की सीमा में होता है और अपनी जगह पर स्थिर रहता है। अपोलो मिशन पहला मिशन था जिसमें इंसानों को उस बेल्ट से गुजरना था, लेकिन उस वक्त हमारे पास इतनी एडवांस टेक्निक नहीं थी कि इसे इंसान पार कर सके। यहां से गुजरते समय इसकी तेज रेडिएशन इंसान को भस्म कर सकती है और अंतरिक्षयान बाहर और भीतर से बुरी तरह से तबाह हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अनएक्सप्लेन्ड ऑब्जेक्ट यानी वो रहस्यमय चीज। जैसे ही नासा की पिक्चर्स दुनिया के सामने आई, तब लोगों को एस्ट्रोनॉट्स के हेलमेट में एक अलग चीज की छाया दिखाई दी। ये छाया किसी वायर से लटकने वाली चीज की है, लेकिन ऐसी कोई चीज का चांद पर होने का सवाल ही नहीं होता। थ्योरिस्ट का मानना है कि ये स्पॉटलाइट है जो किसी फिल्म स्टूडियो में होती है। स्लो मोशन वॉकिंग एंड हिडन वायर्स यानी धीमी रफ्तार में चलना और छिपे हुए वायर्स। चांद की ग्रेविटी हमारी पृथ्वी से कम है, इस वजह से वहां पर एस्ट्रोनॉट्स चलने की जगह उछलते हुए लगते हैं। इस बारे में लोगों का कहना है कि नासा ने ये वीडियो स्लो मोशन में बनाया है, जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉट्स चलने की वजह उछलते हुए दिखते हैं। लैक ऑफ स्टार्स यानी सितारों की कमी। इस सवाल का जवाब नासा अभी तक नहीं दे पाया है कि ये कैसे संभव है कि बनाई गई वीडियो में एक भी तारा नहीं है, जबकि चांद पर ना तो बादल है और ना ही पॉल्यूशन, तो सारे तारे ठीक से दिखाई देने चाहिए, लेकिन नासा की तस्वीर में एक भी स्टार नहीं है। सी रॉक। पिक्चर में एक पत्थर पर इंग्लिश का लेटर सी लिखा हुआ है, जो कि चांद पर संभव ही नहीं है। थ्योरिस्ट का कहना है कि इस तरह की मार्किंग फिल्म स्टूडियो में पाई जाती है। इस पत्थर को किसी ने गलती से रख दिया होगा, जिससे लेटर क्लियर दिखाई देता है। क्रॉस हेयर। स्पेस यात्रियों द्वारा इस्तेमाल किए गए कैमरों से पता चलता है कि इसमें क्रॉस हेयर तकनीकी का इस्तेमाल हुआ था, इसी कारण ये क्रॉस हेयर सभी तस्वीरों में दिखते हैं। अगर हम इन्हें बारीकी से देखें तो इनमें से कुछ क्रॉस हेयर पिक्चर्स में चीजों के पीछे दिखाई देते हैं। इस वजह से लोग मानते हैं कि नासा ने चांद की ओरिजिनल पिक्चर्स के पीछे चीजों को डालकर नए फोटोज बनाए हैं। द डुप्लीकेट बैकड्रॉप्स। हम जब दोनों पिक्चर्स को देखें जो एक दूसरे से कई किलोमीटर दूर से ली गई थीं, तो दोनों पिक्चर्स में बैकग्राउंड सेम दिखाई देता है, लेकिन जब दोनों को मिलाकर देखें तो एक फोटो में स्पेसक्राफ्ट दिखाई देता है और दूसरे में नहीं। एस्ट्रोनॉट्स के चंद्रमा पर तस्वीरें खिंचवाने के दौरान उनकी परछाइयां भी कई रहस्य पैदा करती हैं। लोग इस बात पर तर्क देते हैं कि वहां सबकी परछाई अलग अलग एंगल से और कई आकारों की दिखाई देती है, ऐसे लगता है जैसे किसी स्टूडियो में फिल्माया जाता है। लोगों का कहना है कि एस्ट्रोनॉट्स के चांद पर कदम रखने के निशान इतने क्लियर कैसे बने, जबकि वहां ना तो वायुमंडल है और ना ही बरसात होती है। ठोस जमीन पर ऐसा होना संभव नहीं है। चांद पर कदम रखने वाले दो अंतरिक्ष यात्री दिखाई दे रहे हैं। नील आर्मस्ट्रांग के हेलमेट के कांच पर दूसरा साथी दिखाई दे रहा है। इसमें ये दिखाई नहीं दे रहा कि ये तस्वीर किसने और कब ली। थ्योरिस्ट का मानना है कि इस वीडियो में इन गलतियों से ये साबित होता है कि वीडियो नकली है और नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उस वक्त नहीं गए। ये वीडियो किसी लैब में बनाई गई किसी सेट पर फिल्माया गया था। इसी की तरह एक थ्योरी और भी है जिसमें कहा गया है कि वीडियो तो नकली है, लेकिन चांद पर जाने की बात झूठ नहीं है। थ्योरिस्ट का मानना है कि इतना पैसा खर्च होना, रॉकेट का पृथ्वी से लॉन्च होना और लोगों का अंतरिक्ष में जाना इस बात को साबित करता है कि चांद पर पहला कदम रखने का मिशन सच में हुआ था। हालांकि कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का मानना है कि किसी के पास उस वक्त इतनी एडवांस टेक्निक मौजूद नहीं थी कि चांद के वातावरण में कुछ चीजों को फिल्म कर सकते, इसलिए सरकार ने नकली वीडियो बनाई जिससे कि सबको तसल्ली हो जाए। सोलर सिस्टम क्लाइमेट चेंज।
कई लोगों का मानना है कि मौसम में बदलाव प्राकृतिक तौर पर होता है, लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि ये सब इंसानों की गलतियों के कारण हो रहा है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि मौसम में बदलाव नहीं हो रहा है। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ऐसे हैं जिनका मानना है कि मौसम में बदलाव हो रहे हैं, लेकिन इसका कारण पृथ्वी या यहाँ पर रहने वाले इंसान नहीं है। कई थ्योरीज में बताया गया है कि सौरमंडल की जांच करने पर पता चला कि मार्स और जुपिटर जैसे ग्रहों के मौसम में भी बदलाव देखे गए हैं, और प्लूटो जो कि सूरज से सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित है उसमें अब धीरे धीरे गर्मी के लक्षण दिख रहे हैं। थ्योरिस्ट का मानना है कि इन सभी ग्रहों के मौसम में बदलाव सिर्फ उसी बात का संकेत दे रहे हैं कि हमारा पूरा सौरमंडल गर्म हो रहा है, जिसका सीधा सा मतलब है कि पृथ्वी के मौसम में बदलाव पृथ्वी के वातावरण या फिर इंसानों की वजह से नहीं बल्कि पूरे सौरमंडल के मौसम में बदलाव के कारण हो रहा है। ये सौरमंडल के वातावरण में अंतर किस चीज से हो रहा है, ये जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा सौरमंडल किस तरह से काम करता है। लेकिन अभी तक वैज्ञानिकों को इसके काम करने के तरीके के बारे में पता नहीं चला है। आपको यहाँ बता दूं कि प्लूटो कोई ग्रह नहीं है, क्योंकि इसे 2006 में ग्रहों की लिस्ट से हटा दिया गया है। दोस्तों, ये वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं जिन्हें आप सच मान बैठे हैं, लेकिन हकीकत से इनका कोई वास्ता नहीं है। मून लैंडिंग को तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने इतना बड़ा चलाकर बताया और यूट्यूब पर इसके बारे में इतने सारे वीडियोज बनाए गए कि लोगों को अब लगने लगा है कि वाकई में अमेरिका चांद पर कभी गया ही नहीं, लेकिन ये सच नहीं है और इस बात पर आप बिल्कुल भी विश्वास ना करें। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।